सत श्रीकाल दोस्तों, मैं हाँ तुहाडा अपना गुरविंदर सिंह। तुसी देख रहे हो बाजवा एंड संधु व्लॉग्स। अज दे व्लॉग्स दे विच गल कैनेडा दे स्टूडेंट वीज़ा नू लैके करांगे। विजिटर वीज़ा वालियां वास्ते भी बहुत इंपॉर्टेंट इनफॉर्मेशन होण वाली है, बिल्कुल डिफरेंट जानकारी अज दे वीडियो दे विच होवेगी। तुहानू दस दिंदा कि जिन्हां ने सितंबर इनटेक, जिन्हां ने आउण वाले जनवरी इनटेक 2023 लई फाइल लॉस कीती है, उन्हां वास्ते वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खास करके जिन्हां दे मेडिकल एक्सपायर हो रहे ने, उन्हां वास्ते तां इह वीडियो रामबाण साबित हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो दे राहीं उन्हां नूं ओह इनफॉर्मेशन मिलेगी जो शायद ओह घटना जिहड़ी ओह तुहाडे नाल वी हो सकती है। इह हैपनिंग किसे नाल ना होवे, बट जेकर किसे नाल हुंदी है ते किवें तुसीं इस सिचुएशन तों टैकल करना, अपने आप नूं किवें तैयार रखना है, उस बारे इस वीडियो दे विच जिहड़ी ओह अवेयरनेस होवेगी। एजेंट्स इस टॉपिक दे उत्ते वीडियो नहीं बनाणगे, क्योंकि इह किसी भी तरह का प्रमोशनल कंटेंट नहीं हुंदा जिस नाल उन्हां नूं फाइल मिल जावे। सो ये वीडियो जिहड़ी है वो व्लॉगिंग के जरिए ही तुहानू मिल सकती, भावें कोई स्टूडेंट बनावे या फिर कोई मेरे वर्गा व्लॉगर जिहड़ा है वो तुहाडे तक इनफॉर्मेशन लैके आवे। दरअसल मेडिकल नू लैके एक रिक्वेस्ट आउंदी है एक बच्चे नू, बठिंडा दे एक बच्चे दी एक कहानी है जिसका नाम एरिक है। बठिंडा तो उसने मैनू कॉल की, तो उसने कहा कि उस नाल अजीबो गरीब रिक्वेस्ट आई है। दरअसल 7 जुलाई नू उसका मेडिकल एक्सपायर हो रहा सी, उसने अपनी फाइल रीलॉच की 7 अप्रैल नू। फाइल रीलॉच करन तो बाद उसका मेडिकल जिहड़ा एक्सपायर हो रहा सी 7 जुलाई नू। सो उसनू मेडिकल दी रिक्वेस्ट आवे उस तो पहला ही उसने 7 जुलाई नू ही अपना अपफ्रंट मेडिकल करवा लिया, खुद मेडिकल करवा लिया बिना एम्बेसी दी रिक्वेस्ट नू। जदों उन्होंने मेडिकल करवा लिया उस तो बाद की हुंदा है कि 20 जुलाई नू वो कॉल करके हॉस्पिटल नू पुछदा है कि उसका जिहड़ा मेडिकल होया सी कि वो एम्बेसी नू भेज दिता गया है कि वो अपडेट कर दिता गया, तो एम्बेसी नू अपडेट कर दिता गया सी, हॉस्पिटल वालों ये रिस्पोंस मिलता है बच्चे। उस तो बाद 21 जुलाई नू जिहड़ी है वो उसनू एक फिर रिक्वेस्ट आ जाती है कि तुसी मेडिकल दोबारा मेडिकल करवा के दो, 30 दिन का टाइम हुंदा, तुसी स्क्रीन ते देखो ये लेटर जिहड़ा है, ये रिक्वेस्ट का लेटर है फॉर्म विच है, जिसते विच जिहड़ा है वो बच्चे का बायोडेटा होगा। ये फॉर्म जिहड़ा वो तुसी देख सकते हो, तो ये लेटर जिहड़ा है वो उसनू एम्बेसी वल्लों मिलता है, मेल राही मिलता है, जिससे कि अपडेट हुंदा कि तुसी दोबारा मेडिकल जिहड़ा मेडिकल की रिक्वेस्ट वास्ते अपडेट हुंदा है कि तुसी मेडिकल की रिक्वेस्ट हुंदी है कि तुसी दोबारा मेडिकल करवा लो। हुण हुंदा कि बच्चा तो पहला ही मेडिकल जिहड़ा करवा चुका हुंदा है, तो वो हॉस्पिटल ने भी वो मेडिकल जिहड़ा वो भेज दिता हुंदा, पर कई बार की हुंदा कि एम्बेसी का जिहड़ा इमीग्रेशन ऑफिसर है वो नहीं चैक किया हों, उसने उस तो अप टू डेट नहीं हों। सो तुसी फिर करना की हुंदा, फिर सल्यूशन की सी इसका, उस बच्चे की मैनू भी कॉल आती है कि हुण की किया जाए, तो मैं भी उन्होंने सुजैसट किया कि तुसी इस जिहड़ी तुहानू ये दोबारा रिक्वेस्ट आई है इसनू तुसी टैकल करो। इसका सल्यूशन यह है कि तुसी एम्बेसी नू दसो, तुसी एम्बेसी नू इनफॉर्म करो कि तुहाडे वल्लों अपफ्रंट मेडिकल करवा लिया गया है, तो वो तो जिहड़ा इंपैनल हॉस्पिटल है जिथों करवाया गया उसने तुहानू अपडेट कर दिता होया, तुसी चैक कर लो। उस बच्चे वालों अपडेट कर दिता जाता है, एसटीएस की उसकी फाइल हुंदी है, तो फाइल लॉज की हुंदी है 7 अप्रैल 2022 नू। रीलॉज की फाइल सीगी, तो दोबारा मेडिकल की रिक्वेस्ट जिहड़ी है इन्हां नू आई है, तो इन्होंने अपना सल्यूशन जिहड़ा कढ़िया वो रिक्वेस्ट की है एम्बेसी नू, दस्सिया कि असीं दोबारा मेडिकल करवा चुके हाँ। उन्होंने फॉर्म भेजा मेडिकल का, रिक्वेस्ट भेजी, उस रिक्वेस्ट के आधार के उत्ते उन्होंने वापस जिहड़ी जानकारी वो सबमिट कर दी गई। उम्मीद करदा है कि बहुत कुछ इस वीडियो के विच तुहानू सीखन नू मिलिया होगा। जेकर तुहाडे नाल भी अजिहा हुंदा है कि मेडिकल करवाउण तों बाद भी तुहानू मेडिकल की रिक्वेस्ट आती है, तो तुसीं दोबारा मेडिकल ना करवाओ, तुसीं दोबारा मेडिकल करवाउण की जगह तुसीं एम्बेसी नू इनफॉर्म करो कि तुहाडे वल्लों मेडिकल करवा दिता गया है, तो वो मेडिकल जिहड़ा है वो तुहानू हॉस्पिटल वालों जिहड़ा इंपैनल्ड हॉस्पिटल ते जिथे करवाया सीगा वो अपडेट कर देंगे। सो उम्मीद करदा है भावें कोई विजिटर वीज़ा वाला जिसका मेडिकल एक्सपायर हो रहा या फिर कोई स्टूडेंट वीज़ा वाला है, उन्हां वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सीगी। उम्मीद करदा है कि अज का व्लॉग जिहड़ा तुहानूं जरूर पसंद आया होगा। कल मैं सिर्फ विजिटर वीज़ा या होर किसी भी कैटेगरी की जिसका भी मेडिकल एक्सपायर हो रहा हो मैं उसकी गल कर रहा है। हुण कई इहदे विच इह ना लिखण लग पए कि तुसी जानकारी मोल्ड करके दस रहे हो, इवें दस रहे हो, कई ज्ञानी हुंदे ने जिहड़े दसदे ने कि इस वीडियो च नवां की है। सो वो अपना ज्ञान अपने कोल रखण। पिछले दिन मैं एक डेफरमेंट नूं लैके वीडियो बनाई सी जिस दे विच एक साहब लिख रहे सीगे
कि मई दियां फाइलां जिहड़ियां लग्गियां ने उसनों डिफर करन दी सलाह तुसीं क्यों दे रहे हो? भाई जे मई दा रिजल्ट नहीं आएगा तो बच्चा डिफर ही करेगा, जे नहीं डिफर करेगा तो उसकी फी का इशू बन सकता है, होर तरीके दियां प्रॉब्लम्स उसनों आ सकदियां, फिर उसका जिम्मेवार कौन होगा? सो जिहड़े ते जेनुइन स्टूडेंट हुंदे ने उन्हां नूं जानकारी चाहीदी हुंदी है, पर जिहड़े आवारा लोग हुंदे ने एजेंट्स वल्लों स्पोंसर्ड किए हुए उन्हां दा इहो ही हाल रहना है। तो अपने फेसबुक ते यूट्यूब ते तुहानू ज्ञान वंडदे रहणगे बिना मतलब दा ज्ञान जिहड़ा तुहाडे किसी भी काम का नहीं हुंदा। उम्मीद करदा ब्लॉग पसंद आया होगा, होर इस तरह की अपडेट लई बने रहो बाजवा एंड संधू ब्लॉग्स के नाल। साडे चैनल नूं सबसक्राइब ते लाइक ते वध तों वध शेयर करना ना भुल्लो, क्योंकि इनफॉर्मेशन सब तक पहुँच सके जिन्हां वल्लों फाइल लॉस की गई है, लॉस की जानी है। उम्मीद करदा ब्लॉग पसंद आया होगा, होर इस तरह की अपडेट लई बने रहो बाजवा एंड संधू ब्लॉग्स के नाल। सत श्री अकाल।